आपको बता दें एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, सीएम गहलोत का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर हमला, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। गजेंद्र सिंह राजस्थान सरकार गिराने में शामिल थे, ये सीएम गहलोत की तरफ से कहा गया है। तो दुनिया जानती है कि वो आपकी ही आवाज थी, आप सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं कि उनसे चूक हो गई और इससे ये साबित हो गया कि आप उनके साथ मिले थे। तो ये सीएम की तरफ से कहा गया है, ये बड़ा हमला किया गया है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सीएम गहलोत का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर ये बड़ा हमला, जिसमें उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह राजस्थान सरकार गिराने में शामिल थे, ये सीएम गहलोत की तरफ से कहा गया है। दुनिया जानती है कि वो आपकी आवाज थी, तो ये सीएम की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। आप सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं कि उनसे चूक हो गई और इससे ये साबित हो गया कि आप उनके साथ मिले थे। तो सीएम गहलोत ने ये बड़ा हमला किया है गजेंद्र सिंह पर, जहां पर गजेंद्र सिंह राजस्थान सरकार गिराने में शामिल थे, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। तो अब वो खुद एक्सपोज हो गए हैं, सीएम गहलोत ने कहा, और दुनिया जानती है वो आपकी आवाज थी, और इसके साथ ही आप सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं कि उनसे चूक हो गई, तो इससे ये साबित हो गया कि आप उनके साथ मिले थे। तो ये सीएम गहलोत की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं गजेंद्र सिंह को लेकर, और सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर यह बड़ा हमला किया है। गजेंद्र सिंह राजस्थान सरकार गिराने में शामिल थे, तो राजस्थान में जो उथल पुथल की तस्वीरें देखने को मिली थी, उसको लेकर यह सीएम गहलोत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कुछ कहेंगे इस विषय? ये तो कानून अपना काम करे, ये तो बल्कि लेट हुआ सर उनको, वो बचते रहे। आखिर में नोट वो जो नोटिस सर हो गया, कोर्ट से हुआ है। इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है? ये स्वीकार भी कर चुके हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि इनकी वॉइस है वो। पुलिस वहां की स्वीकार कर चुकी है एफिडेविट के अंदर। जब लोकेश शर्मा के खिलाफ में जो केस इन्हें दर्ज करवाया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम, आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गए, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। साथ दिनेश डांगी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो उनसे सिलसिलेवार तरीके से सभी अपडेट लेंगे। सबसे पहले दिनेश जो है, आपका रुख करते हुए सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह पर यह बड़ा हमला किया गया है सीएम गहलोत के द्वारा, उन्होंने कहा है कि राजस्थान की सरकार गिराने में सबसे बड़ा हाथ उनका था। जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चूरू और सीकर के एक दिवसीय दौरे पर थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए आज अशोक गहलोत ने जो राजस्थान में सियासी बगावत हुई थी, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जोरदार हमला बोला है। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि वॉइस सैंपल के लिए उनको नोटिस है, वो तामील हो चुका है, तो सीएम गहलोत ने कहा कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था और एक कानूनी कार्रवाई है। उस दौरान जो फोन ऑडियो वायरल हुए थे, उनमें वॉइस यानी आवाज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की थी और ये पूरी दुनिया जानती है। बड़ा आरोप यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने सीधे गजेंद्र सिंह पर बोला है कि अब वो एक्सपोज हो चुके हैं और ये साफ हो चुका है सरकार गिराने की साजिश में खुद गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल थे। पिछले दिनों गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामलाल शर्मा के जन्मदिन पर एक बयान दिया था कि अगर सचिन पायलट से चूक नहीं होती तो मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी फिर वो कामयाब होते तो पानी मिल जाता, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिरा दी थी भाजपा के साथ मिलकर, लेकिन सचिन पायलट से चूक हो गई। ये बयान देकर गजेंद्र सिंह ने अपने ऊपर ठप्पा लगा लिया है। इससे ये साफ हो चुका है कि वो सरकार गिराने में सचिन पायलट से मिले हुए थे। ये बड़ा बयान सीएम अशोक गहलोत की तरफ से दिया है और एक तरह से उन्होंने पायलट को भी इस बयान के दौरान लपेटे में ले लिया है कि पायलट, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने में लगे हुए थे। एक बड़ा हमला यहां पर गजेंद्र सिंह पर किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कहा कि पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वॉइस जो थी वो गजेंद्र सिंह शेखावत की थी।
बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वॉइस सामने आया है जिसके बाद से एक्सपोज हुए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन इन सब के बीच अगर हम आज का जिक्र करें, जिस तरह से लक्ष्मणगढ़ को बड़ी सौगात दी गई है, दिनेश इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है? जो तमाम सौगातें दी गई हैं किस तरह से वो महत्वपूर्ण जनता के लिए रहने वाली हैं? जी देखिए, लक्ष्मणगढ़ के कोठारी गांव में जो पूर्व विधायक का पैतृक गांव है सांवरमल मोर, उनकी मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है। इसके अलावा वहां कॉलेज में एक भवन का शिलान्यास भी सीएम अशोक गहलोत ने किया है, और जिस भवन का, नए भवन का उन्होंने शिलान्यास किया, तो यकीनन स्टूडेंट्स को और अन्य जो कॉलेज की सुविधा है उनमें विस्तार हुआ है, उससे उनको फायदा मिलेगा। तो मूर्ति अनावरण एक निजी कार्यक्रम था, कह सकते हैं कि परिवार के सदस्यों ने उनकी मूर्ति लगाई है, उसका अनावरण किया है, और कॉलेज भवन में नए भवन का शिलान्यास करके, उद्घाटन करके सीएम अशोक गहलोत ने क्षेत्रवासियों को एक सौगात दी है। वैसे कोई बड़ा कार्यक्रम यहां पर नहीं था, उसके बाद वो सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां भगवान हनुमान के उन्होंने दर्शन किए, और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब जयपुर लौट आए। लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है उसको लेकर बयान दिया, अग्निपथ अग्निवीर स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला, और जो हिंदुत्व की सियासत केंद्र सरकार और भाजपा पार्टी कर रही है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा कि चुनी हुई सरकार को गिराना गलत है, और जिस तरह विधायकों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा सवाल जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट था उसको लेकर था, तो उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत पर जोरदार हमला बोला कि उन्होंने दो गलतियां की। पहले तो उन्होंने ये बयान दिया कि अजमेर में जब चुनावी सभा हुई थी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी ERCP को लेकर नहीं बोला था, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात बोली तो मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा। तो जनता राजस्थान की अब इंतजार कर रही है, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अपने वादे पर रहते हुए कब गजेंद्र सिंह शेखावत संन्यास लेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा अगर सचिन पायलट सक्सेस हो जाते और उनसे चूक नहीं होती तो पानी मिल जाता, तो उन्होंने कहा कि ERCP जो प्रोजेक्ट है पूर्वी राजस्थान सहित करीब 16 जिलों की लाइफ लाइन है, अगर पानी आता है मध्य प्रदेश से, समझौता दोनों के बीच हो जाता है, तो इन लोगों की जो तकदीर और तस्वीर है वो बदल सकती है। अगर जो अहम विभाग गजेंद्र सिंह के पास है, राजस्थान से ही वो मंत्री है, अगर ये करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह की बातें करने का, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। राजस्थान में अभी इस तरह किसी भी परियोजना को नेशनल लेवल का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।